टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की हैं, क्योंकि उनकी पहली शादी जिस शख्स के साथ हुई उनसे उन्हें काफी दुख मिला। उनकी जिंदगी जीते जी नरक बन गई, जिसके बाद उन एक्ट्रेस ने अपने पहले पति से तलाक लेकर दूसरी शादी की और उनकी वो दूसरी शादी उनकी जिंदगी में वरदान साबित हुई, क्योंकि दूसरी शादी कर उनकी जिंदगी बदल गई। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी की पांच ऐसी अभिनेत्रियों से मिलवाएंगे जिन्होंने की है दूसरी शादी और किस तरह से उनकी दूसरी शादी ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो आइए एक एक करके जानते हैं। नंबर वन, गौतमी कपूर। इस लिस्ट में पहला नाम आता है टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौतमी कपूर का, जो आज राम कपूर के संग शादी कर एक सुखी जीवन बिता रही है। पर आपको बता दें, राम कपूर से पहले इन्होंने मशहूर फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी की थी, पर शादी के बाद से ही दोनों के दरमियान रिश्ते बिगड़ते गए। शादी की मजदार टूटने लगी, जिससे कि इनकी शादीशुदा जिंदगी नरक बन गई। पर उसी दौरान इनकी जिंदगी में एक्टर राम कपूर की एंट्री हुई, जिन्होंने इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया। इसलिए तो इन्होंने अपने पहले पति से तलाक लिया और फिर राम कपूर से साल 2003 में शादी कर ली, जिसके बाद इस अभिनेत्री की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। राम ने इन्हें इतना प्यार दिया कि इनकी आंखों में गम का एक भी आंसू नहीं दिखा। नंबर टू, रुचा गुजराती। भाभी सीरियल में सुहाना का लीड किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री रुचा गुजराती ने भी अपने जीवन में दो शादियां की हैं। इन्होंने दूसरी शादी विशाल जायसवाल से साल 2016 में की, जिनके साथ ये काफी खुश है और एक खुशहाली भरी जिंदगी बिता रही है। पर आपको बता दें कि विशाल से शादी करने से पहले इन्होंने बिजनेसमैन मिथुन सांघवी से शादी की थी, पर वो और उनका परिवार इन पर मानसिक और शारीरिक शोषण करता था, इसलिए इन्होंने उनसे तलाक ले लिया, जिसके बाद विशाल इनकी जिंदगी में आए, जिनसे शादी कर इनकी जिंदगी बदल गई। आज ये उनके साथ बिना किसी डर के खुशी से जिंदगी बिता रही है। नंबर थ्री, तनाज रानी। कई शोज का हिस्सा बन चुकी अभिनेत्री तनाज रानी टीवी की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, पर इनकी जिंदगी भी दूसरी शादी पर ही बदली है। इन्होंने जब पहले एक्टर फरीद पुरीम से शादी की, उनसे हुई पहली शादी में तनाज रानी को काफी तकलीफें हुई, जिसके बाद काफी बवाल हुआ, फिर तलाक हुआ। पहली शादी में तकलीफें झेलने के बाद तनाज ने साल 2007 में दूसरी शादी की एक्टर बख्तियार ईरानी से, जो उम्र में इनसे 8 साल छोटे थे, पर वो इनसे प्यार अपनी उम्र से बहुत ज्यादा करते थे। इसलिए तो उनके साथ शादी कर मिली खुशियों से इनकी जिंदगी सवर गई और आज भी उनके साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। नंबर फोर, दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर का शो से घर घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की भी दूसरी शादी ने किस्मत बदली है, क्योंकि रौनक सैमसन के संग हुई इनकी पहली शादी असफल रही। इन्होंने अपनी पहली शादी में उन सभी हालातों को देखा जिनके बारे में सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद शादी के 3 साल के बाद इन्होंने तलाक ले लिया। उनसे तलाक लेने के बाद इनकी जिंदगी में कदम रखा शोएब इब्राहिम ने, जिन्होंने इन्हें इतना प्यार दिया कि उनके साथ हुई इनकी साल 2018 में इस शादी ने इनकी जिंदगी में खुशियां भर दी और उन्हीं खुशियों ने इनकी जिंदगी बदल दी। जब से इन्होंने उनसे शादी की है, तब से लेकर अब तक ये उनके साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। नंबर फाइव, काम्या पंजाबी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है शक्ति फेम एक्ट्रेस काम्या पंजाबी का। इन्होंने साल 2003 में बिजनेसमैन बंटी नेगी से शादी की और शादी के कुछ सालों के बाद एक बेटी की मम्मी बनी, पर बंटी के साथ इनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली, उसी की वजह से इनकी जिंदगी जीते जी नरक बन गई। इसलिए उन्होंने साल 2013 में इनसे तलाक ले लिया, जिसके बाद साल 2020 में इन्होंने शलभ डांग से दूसरी शादी की, जिनके साथ आज ये खुशहाल जीवन यानी हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रही हैं। अब इनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, क्योंकि शलभ सिर्फ इनसे और इनसे प्यार करते हैं, किसी और से नहीं। इस तरह से उनके साथ शादी पर इनकी वाकई जिंदगी बदल गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन अभिनेत्रियों ने दोबारा शादी करके सही किया या फिर सिंगल रहकर इन अभिनेत्रियों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।